ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोध्यायः श्लोक नंबर 3। ये श्लोक है, मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत, एक बार फिर बोलती हूँ, मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। यहाँ भारत अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है। भारत, हे अर्जुन, मम यो निर्महद् ब्रह्म, कि मेरी महद् ब्रह्म मूल प्रकृति तो योनि ही उत्पत्ति स्थान है। तस्मिन् उसमें, दधामि प्लस अहम् मैं उसमें गर्भम दधामि, जीव रूप गर्भ का दधामि स्थापन करता हूँ। उसमें मैं जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत, ततो उससे सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों की, संभवः भवति, संभवः का मतलब उत्पत्ति, भवति होती है, उससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है, और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, इससे प्राणियों की, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। दूसरे श्लोक में ये बताया था कि जो इस ज्ञान का आश्रय लेते हैं, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वे महासर्ग में पैदा नहीं होते और महाप्रलय में व्यथित नहीं होते, अर्थात दुखी नहीं होते। इस श्लोक में ये है कि जो भगवान की सद्धर्मता को प्राप्त कर लेते हैं, वे महासर्ग में पैदा नहीं होते, ये तो हमारे पिछले श्लोक में था। लेकिन जो प्राणी, जिनकी कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं, उनके उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है, वो इस श्लोक में बताया गया है। और यहाँ पर कहा है, मम यो निर्महद् ब्रह्म, मेरी महद् ब्रह्म मूल प्रकृति को, महद् ब्रह्म नाम से कहा गया है। और इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि परमात्मा जो हैं, वो छोटे से छोटेपन और बड़े से बड़ेपन से रहित हैं, और वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं और महान से महान भी हैं। परंतु संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मूल प्रकृति ही है, और संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति ही है। परमात्मा के सिवाय संसार में इस मूल प्रकृति से बढ़कर कोई व्यापक तत्व नहीं है, इसलिए इसे महद् ब्रह्म कहा गया। और फिर कहा गया कि महद् ब्रह्म, महद् का मतलब महत् तत्व या समष्टि बुद्धि, और ब्रह्म परमात्मा, निर्गुण परमात्मा को कहा गया है कि बुद्धि, समष्टि बुद्धि और परमात्मा के बीच में होने के कारण इस मूल प्रकृति को महद् ब्रह्म कहा गया।
और जो पिछले श्लोक में आया महासर्ग, ब्रह्मा जी के एक दिन को महासर्ग और ब्रह्मा जी की एक रात को महाप्रलय कहा गया। लेकिन जीवन मुक्त पुरुषों का इस मूल प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, जीवन मुक्त पुरुषों का इन मूल प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। वे महासर्ग में उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में दुखी नहीं होते, और सबका उत्पत्ति स्थान होने के कारण इस मूल प्रकृति को योनि कहा गया। इस मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में ही लीन हो जाते हैं, और इसी मूल प्रकृति से सांसारिक अनंत शक्तियां भी पैदा होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है, मेरी इच्छा के बिना ये प्रकृति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। और 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, कि मेरी अध्यक्षता में, मेरी प्रेजेंस में ये प्रकृति चर और अचर संसार को पैदा करती है। और फिर कहा है, इस मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इसको बताने के लिए भगवान ने कहा मम, कि ये मूल प्रकृति मेरी है, और इस मूल प्रकृति से श्रेष्ठ उस परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा से विमुख होकर इस प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, और फिर प्प्रकृति के कार्य 3 गुणों से सात्विक, राजस, तामस, इनसे संबंध जोड़ लेता है, और उससे भी नीचे गिरकर गुणों के कार्य इस शरीर आदि से भी अपना संबंध जोड़ लेता है और बंधन में पड़ जाता है। और जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, कि इस लोक में ये जीव मेरा ही अंश है। इसलिए प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है। और फिर कहा कि भगवान कोई नया गर्भ स्थापित नहीं करते, तस्मिन गर्भम दधामि, हम कहा कि मैं उसमें जीव रूपी गर्भ का स्थापन करता हूँ, कि भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते, अनादि काल से जो जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो महाप्रलय के समय, जब सृष्टि का नाश होता है, महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और प्रकृति में लीन हुए जीवों के जीवों के कर्म जब पक कर फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर महासर्ग के आदि में भगवान उन जीवों का प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित करा देते हैं। और भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापित करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, मतलब कि जड़ और चेतन के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति है। यहाँ पर प्रकृति को माता कहा गया है और पुरुष को पिता कहा गया है, और ये प्राणी स्थूल और सूक्ष्म शरीर धारण करके पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। फिर महासर्ग के आदि में प्राणियों का उत्पन्न होना जो है भगवान का वास्तविक त्याग या आदि कर्म यही है। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक उसका
प्रकृति के अंश शरीर से संबंध जो है वो बना रहता है, और वो महाप्रलय में कारण सहित, कारण शरीर सहित प्रकृति में लीन हो जाता है। और कहा जाता है कि बिच्छू जो है अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण जो है वो नहीं है। वास्तव में मादा बिच्छू ने धान में अंडे दिए, और इसी प्रकार भौतिक जीवों के जन्म का, ये जो भौतिक प्रकृति है ये जीवों का कारण नहीं, जन्म का कारण नहीं बनती, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है, प्रदत्त होता है, और प्रकृति से ये फिर ये जीव प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं, और भौतिक प्रकृति द्वारा जो है वो रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार सुख दुख को भोगता है, और इन भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। तो यहाँ पर इस श्लोक में फिर मैं एक बार बोलती हूँ कि मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कहते हैं कि मैं ये जो मूल प्रकृति है मेरा उत्पत्ति स्थान है, और मैं उसमें जीव रूपी गर्भ का स्थापन करता हूँ, इसी से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।